आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, पारदर्शी माध्यम के दो उदाहरण दीजिए। पारदर्शी माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें कोई प्रकाश की किरण उसको पार कर जाती है, जैसे ये पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण पार हो जाएगी। वास्तव में प्रकाश की किरण का कुछ भाग यहाँ पर परावर्तित होगा और कुछ भाग इसमें अपवर्तित होगा। तो जो भाग इसमें अपवर्तित होगा, जैसे ये अभिलंब मैंने बनाया है, तो जो भाग अपवर्तित होगा वो इस माध्यम को पार कर जाएगा। तो ये माध्यम हमारा क्या है? पारदर्शी माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम का जो पहला उदाहरण है, ये आप जल इसको लिख सकते हैं, पहला पारदर्शी माध्यम जल हो जाएगा। दूसरे पारदर्शी माध्यम की बात करते हैं, ये कांच है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस तरह से प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण का कुछ भाग इसको पार कर जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पारदर्शी माध्यम है, यानी कांच। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास दो उदाहरण हो गए पारदर्शी माध्यम के, एक जल और दूसरा कांच, एक कांच और दूसरा जल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।